हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक होगा अपना अरर में एक बीमारी आती है जिसको बोलते हैं स्टलटी मोजेक ऑफ अरर, यानी अरर का बांझपन मोजेक रोग और उसका प्रबंधन। आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, अगर हम देखें क्षेत्र के हिसाब से और उत्पादन के हिसाब से, तो चने के बाद अरहर दूसरे नंबर पे आती है। और इसके जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं या राज्य हैं, वो महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, जहाँ इसकी खेती प्रचुर मात्रा में की जाती है। अरहर की फसल में रोग तो बहुत लगते हैं, लेकिन स्टलटी मोजेक इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस रोग के आने के बाद पौधा जो है वो अपने बीज बनाने की क्षमता खत्म कर देता है, तो इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है। स्टलटी मोजेक के जो संक्रमण है और उसका जो उत्पादन पे हानि है, वो इस बात पे निर्भर करती है कि फसल पर इस रोग का संक्रमण किस अवस्था में है। ठीक है, अगर अर्ली अवस्था में आता है, यानी बुआई के 45 दिन पहले से अगर इस रोग का संक्रमण होता है फसल पे, तो फसल के उत्पादन में ऐसा देखा गया है कि 95% से लगा के 100% तक हानि होती है। अगर 45 दिन बाद इसका अटैक होता है, आक्रमण होता है पौधे पे, तो उत्पादन की जो कमी है वो डिपेंड करती है, निर्भर करती है कि पौधे की किस ब्रांच पे इसका आक्रमण हुआ है। लेकिन फिर भी उस अवस्था में भी करीब करीब 26 से लगा के और 97% तक फसल में उत्पादन की कमी देखी गई है। इस रोग के जो लक्षण है, कभी जो है आंशिक रूप में देखे जाते हैं, यानी कम रूप में, तो उसको बोलेंगे पार्शियल स्टलटी मोजेक, यानी आंशिक बांझपन मोजेक रोग। ठीक है, और आंशिक रूप से जो पौधा है जिसमें कि ये रोग आ गया है, जिसमें आंशिक रूप से रोग आया है, तो उसके जो बीज होंगे पौधे के, वो सूखे हुए, मुड़े तुड़े हुए, और उनका जो रंग है वो हल्के रंग का होगा, और वो बीज अंकुरित नहीं कर पाएंगे, उनका जर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, और अगर गंभीर रूप से प्रभावित पौधा है, यानी जिसमें संपूर्ण बांझपन आ गया है, ऐसे पौधे जो हैं वो बीज नहीं बना पाते, क्योंकि उनमें फ्लोरिंग नहीं लगेगी, और फ्लोरिंग नहीं होगी तो उसके अंदर पोडिंग भी नहीं होगी। ठीक है, इस रोग का जो संक्रमण है सबसे ज़्यादा बिहार में देखा गया है। बिहार में करीब करीब ऐसा अनुमान है कि इसका संक्रमण 21-22% के बीच में होता है। उत्तर प्रदेश में करीब करीब 15-18% के आसपास इस रोग का संक्रमण देखा गया है। उसके बाद तमिलनाडु का नंबर आता है, जिसमें करीब 13% डिजीज या देखी आती है ऑन एन एवरेज। गुजरात में 12% आती है, और सबसे कम संक्रमण जो इसका कर्नाटक के जो प्रदेश है उसमें देखा गया, उसमें करीब करीब 9-10% के बीच में इस बीमारी का प्रकोप देखा गया है। अब इस रोग के जो लक्षण है, जो बात करते हैं डिटेल में। ठीक है, देखिए, सबसे सामान्य लक्षण जो इस बीमारी का है, स्टलटी मोजेक का, वो पत्तियों का छोटा हो जाना और पत्ती पर हल्के पीले और गहरे हरे रंग के धब्बे बन जाना, इसको बोलते हैं मोजेक पैटर्न, ये इसके सामान्य लक्षण है। ब्रांचिंग जो है पौधे की, वो प्रोफ्यूज ब्रांचिंग हो जाएगी, यानी ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, पौधा झाड़ीनुमा हो जाएगा, और पौधे की जो ग्रोथ है, विकास है, वो रुक जाएगा, यानी स्टंटेड ग्रोथ पौधे की हो जाएगी। ठीक है, फूल नहीं लगेंगे इस पर, और इक्का दुक्का अगर फूल बन भी जाते हैं तो उसमें फल और बीज नहीं लगेंगे। अब अरहर की बहुत सारी वैरायटी हैं, उसमें इसके जो लक्षण हैं तीन रूप में आते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा उसमें मोजेक है और पूर्ण रूप से वो उसमें बांझपन आ गया, यानी सीवियर मोजेक और कंप्लीट स्टलटी है। कुछ किस्में ऐसी है
जिसमें माइल्ड मोजेक और पार्शियल स्टेरिलिटी आती है, यानी मोजेक मध्यम दर्जे का और जो बांझपन है वो भी मध्यम दर्जे का आता है, पार्शियल होगा, यानी पौधा के एक भाग में स्टेरिलिटी आ गई है, दूसरे भाग में स्टेरिलिटी नहीं आई है, ठीक है। और कुछ वैरायटी, कुछ किस्म ऐसी होती हैं जिनमें स्टेरिलिटी आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन पत्तियों पर रिंग स्पॉट के सिम्टम्स आपको नज़र आएंगे, ठीक है। ये तो तीन तरह के लक्षण पौधे में आते हैं, डिपेंड करता है कि आपने कौन सी वैरायटी की बिजाई की है। अब जो रोग कारक की बात करते हैं, यानी पैथोजन क्या है, देखिए इसका पैथोजन जो है वायरस है, और इस वायरस का जो नाम है पिजन पी स्टेरिलिटी मोजेक वायरस है, शॉर्ट में बोलेंगे इसको PPSMV, पिजन पी स्टेरिलिटी मोजेक वायरस, और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अरर बांझपन मोजेक विषाणु, ठीक है। और ये रोग जो है वो किससे होता है, माइट्स के द्वारा होगा, इस रोग को कौन फैलाता है, माइट, ठीक है, एरियोफिड माइट होते हैं वो, और इनका जो जूलॉजिकल नाम है वो है अकेरिया केजेनाई, इसके द्वारा फैलता है ये माइट। बहुत छोटा गुलाबी रंग का स्पिंडल शेप्ड होती है इसकी, और कोमल शाखाओं पर, ये पौधे की जो कोमल शाखाएं होती हैं उन पे दूध या सफ़ेद रंग के अंडे देता है, ठीक है। और इसके निम्स जो हैं वो पत्रक में लिपटे हुए मिलेंगे आपको। जो ये माइट है, एरियोफिट माइट है, अगर ये कैसे नहीं, ये बहुत ही स्पेसिफिक है, क्योंकि ये या तो अरर पे या अरर की जो जंगली जातियां हैं उन पे अपना जीवन निर्वाह करता है। जैसे अरर की जो जंगली किस्में हैं, जैसे केजानस सकरबोइडस है, केजानस कसनीफोलियस है, ये अरर की जो हैं जो जंगली प्रजातियां हैं, इन पे या जो अरर की मेन क्रॉप है उस पे ये अपना जीवन गुजारता है। और इसकी जो लंबाई है, एडल्ट्स की लंबाई है माइट की, वो 200 से 250 एमयू के आसपास होती है। जीवन चक्र इसका बहुत छोटा होता है, करीब करीब 2 हफ्ते का होता है, इसमें एक अंडे की स्टेज आएगी और 2 इसके अंदर भ्रूण की स्थिति आती है, ठीक है। और ये जो माइट है, एरियोफिट माइट है, ये जो बारहमासी फसल होती है अरर की, कुछ किस्में ऐसी हैं जो कि पूरे साल चलती हैं, उन पे अपना जीवन निर्वाह करता है, और हवा के बहाव द्वारा संक्रमण एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलता है। ये जो वायरस है, स्टेरिलिटी मोजेक वायरस, भारत में इसकी 5 वेरिएंट्स मिले हैं संस्करण। देखिए वायरस जो है वो म्यूटेट करके अपने प्रतिरूप बना लेता है, तो इसके अभी तक 5 संस्करण इंडिया में रिपोर्टेड हैं, ठीक है। और जो सबसे जो ज़्यादा आक्रमण करने वाला है या संक्रमण करने वाला है वेरिएंट है, वो कर्नाटका का है। किसी भी बीमारी में कंट्रोल करने से पहले संक्रमण उसका जो वेरिएंट्स होते हैं वायरस के, वो पता होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोई भी दवाई सभी वेरिएंट्स पे असर नहीं करेगी, किसी पे ज़्यादा करेगी, किसी पे कम करेगी। और यही कारण है कि स्टेरिलिटी मोजेक में अभी तक दवाई से उपाय नहीं हो पाया है। जो वायरस पार्टिकल है स्टेरिलिटी मोजेक का, वो सिलेंडरस आकार का होता है, हाईली फ्लेक्सियस होता है, इसकी बॉडी जो फिलामेंटस होती है, ठीक है, और बॉडी का डायमीटर जो है वो करीब 3 से 10 नैनोमीटर होता है, और ये सेप से ट्रांसमिशन नहीं होता, आप याद रखें, स्टेरिलिटी मोजेक और पिजन पी सेप से ट्रांसमिशन इसका नहीं होगा, हमेशा ये माइट के द्वारा सेमी परसिस्टेंट मैनर में ट्रांसमिट होगा, ठीक है। और माइट है वो इस वायरस को 12 से 13 घंटे तक अपने अंदर आराम से रख सकता है। अब इसका जो रोग का प्रबंधन, मैनेजमेंट, ठीक है, देखिए पहली बात तो ये है कि बारहमासी जो किस्म है अरर की उसकी बुवाई नहीं करें, ना ही आप रेटोनिंग क्रॉप लें अरर की आप, ठीक है, और कोशिश करें कि प्रतिरोधी किस्मों की बुवाई करें। अब प्रतिरोधी जो किस्म है वो
अलग अलग तरह की आती हैं, जैसे अल्प अवधि की आती है, मध्यम अवधि की आती है या दीर्घ अवधि की आती है। उसके हिसाब से मैं आपको किस्में बताऊंगा कुछ। जैसे अल्प अवधि की अगर फसल लेना चाहते हैं आप, जिसकी ड्यूरेशन जो है 130 से 140 दिन की होती है, तो उसमें जो किस्म है GT 101 है और बनस है, इसको बो सकते हैं आप, ठीक है। अगर मध्यम अवधि की फसल लेना चाहते हैं, जिसकी जो लाइफ साइकिल है, उसकी लाइफ है, वो 170 से 180 दिन की होगी, इसमें आप किस्म ले सकते हैं विपुला, लोचन, मारुति, BSMR 853, BSMR 736, BDN 711 और BDN 708, ठीक है। और दीर्घ अवधि की फसल लेना चाहते हैं, जिसकी अवधि होती है 190 से 220 दिन, तो इसमें कुछ प्रतिरोधी किस्में हैं, जैसे पूसा 9 बहार है, पूसा 9 बहार है, दूसरी वैरायटी है, NDA 1 है, NDA 2 है, अमर है, MAL 13 है, इनकी बुआई कर सकते हैं। स्टडी से या अध्ययन से यह भी पता चला है कि बांझपन का जो प्रकोप है वो विशेष क्षेत्र पर निर्भर करता है कि किस तिथि में आपने फसल बोई, यानी फसल का थोड़ा हेर फेर भी अगर कर देंगे आप अपने हिसाब से एक्सपीरियंस से, तो इसमें रोग में कमी देखी गई है, या फिर आपने पौधे से पौधे की दूरी या कतार से कतार की दूरी कितनी रखी है, इस पर निर्भर करेगी, ठीक है। अगर आपने गहरी फसल बोई है तो इसका आक्रमण आपको ज़्यादा मिलेगा। और जिस खेत में आपको अरहर की सोइंग करनी है, उसमें पुराने अपने आप उगे पौधों को आप नष्ट कर दें। शुरुआती अवस्था में कोई भी रोगी पौधा स्टटी मोजक से ग्रसित नजर आता है, उसको उखाड़ कर जला दें आप, ठीक है। और क्रॉप रोटेशन अपनाएं, अगर आपके रेगुलर ये रोग आ रहा है तो क्रॉप रोटेशन अपनाएं आप। कुछ और जिसमें प्रजातियां हैं रोग जिसमें कि रोग कम लगता है, जैसे पूसा 9 है, ICPL 87119 है, राजीव लोचन है, MA-3 है, MA-6 है, शरद है, ये कुछ और वैरायटी हैं जिसमें कि इस रोग का जो प्रकोप कम होता है, इसकी आप बुआई करें आप। और बीज को बोने से पहले आप बीज उपचार करें, सीड ट्रीटमेंट करें। इसके लिए फ्यूरोडॉन 3G जो आता है, उसकी 2.5 से 3 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से आप बुआई करें आप। और खड़ी फसल में माइट की कंट्रोल के लिए, रोकथाम के लिए कैल्थेन केमिकल आता है, कैल्थेन को 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल के आप छिड़काव करें, 10-12 दिन पे एक छिड़काव और दोहरा दें आप, तो इस जो माइट है इसकी रोकथाम हो जाएगी, और इसकी रोकथाम होगी तो रोग का प्रसार जो है अपने आप वो है वो कम हो जाएगा।